अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान ने शपथ ग्रहण की थी, उसी समय हमने अपने विशेष वेब सीरीज में पाकिस्तान के भविष्य और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री इमरान खान के भविष्य पर भी चर्चा की थी और इस चर्चा में बहुत सारी बातें सामने आई थी। इसी चर्चा में श्री संत बेतरा अशोक जी द्वारा ये कहा गया था कि जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकवाद के विरुद्ध बोलना प्रारंभ करेंगे, उसी समय से उनकी समस्या बढ़ जाएगी, और ऐसा हो भी रहा है। अभी हाल ही में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा की गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को विवश होना पड़ा ये कहने के लिए कि वो अपनी धरती का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। हमारे कार्यक्रम में श्री संत बेतरा अशोक जी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध बोलना ही इमरान खान के लिए घातक सिद्ध होगा। बहुत बहुत स्वागत है श्री संत बेतरा अशोक जी। जिस तरह से अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये वक्तव्य दिया है कि वे पाकिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, क्या उनका ऐसा वक्तव्य ही उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है? देखिए, करंट सिचुएशन में अगर मैं स्टडी करता हूँ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के बीच में खड़ाष्टक योग बन रहा है, मेष राशि में मंगल होने के कारण, और उनकी राशि का स्वामी उसी जगह पे होने के कारण, और पाकिस्तान की राशि का स्वामी बुध मेष राशि से द्वादश होने के कारण और नीचस्थ होने के कारण इमरान खान काफ़ी एग्रेसिव होकर स्पीचेस देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की राशि का स्वामी जो बुध है वो नीचस्थ और चंद्रमा के साथ है, तो उसके कारण सामने से जो रिप्लाई आएगा वो उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसकी भविष्यवाणी मैं पहले भी कर चुका हूँ और अभी आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न लगन में ये साफ नज़र आ रहा है। दूसरा, शनि और केतु का जो योग छठे भाव में है, जो पाकिस्तान की राशि से फोर्थ हाउस में आ जाता है, जब फोर्थ हाउस में शनि और केतु का योग होता है या शनि किसी भी राशि से फोर्थ में होता है तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है ग्रह सुख के लिए। तो ग्रहस्थ पाकिस्तान का ग्रहस्थ पाकिस्तान इटसेल्फ है, और वहाँ पे ग्रह युद्ध, वहाँ पे 24 घंटे अनरेस्ट, कब उधर से बम आएगा, कब इंडिया अटैक करेगा, ये हमेशा इनके लिए बना रहेगा। और इसी उसमें जिस तरीके से इमरान खान जी ने ये जो डिसीज़न लिया है कि मैं पाकिस्तान को उग्रवाद की फैक्ट्री नहीं बनने दूंगा, उग्रवादियों का यहाँ से सफाया करूँगा, ये बोलना भी कई लोगों को सुनना गवारा नहीं है। तो वो जो मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ये ऐसा ही बोलेंगे और उसके बाद इनके ऊपर किसी भी तरीके का आत्मघाती हमला हो सकता है, इवन आर्मी भी इनके अगेंस्ट हो सकती है, तख्ता पलट के चांसेस बनते हैं। और इमरान खान के लिए आपने तक लगभग यही समय भी बताया था अपनी भविष्यवाणी, नवंबर तक। नवंबर तक अगर वो पार कर ले गए तो बड़ी बात होगी, लेकिन नवंबर तक का समय जो है उनके जीवन और उनके राजनीतिक करियर के लिए संकटपूर्ण है। हाँ, ये नवंबर दिसंबर तक का जो है समय जो है काफी कष्टकारक है। जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो इसका सबसे अधिक लाभ किसे होगा, भारत को या फिर पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इज अ पपेट ऑफ ISI, उग्रवादी संगठनों के सरगना एंड आर्मी चीफ्स। वो कहीं पे भी उनकी उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और हालात उनको बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एज ए PM उनको अपने राष्ट्र की छवि
अंतर्राष्ट्रीय जगत में ठीक करने के लिए ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन ये डिसीजन जिस तरीके से वो ले रहे हैं, वो जो भारत के भारत हुआ या विश्व के अन्य राष्ट्र हैं, वो इतने कमज़ोर दिमाग के नहीं है कि उनके इस तरीके के डिसीजन को, जब तक कि उन लोगों को जो जिसके अपराधी है, जिन्होंने जहां अपराध किया उस कंट्री के हवाले नहीं करते।